सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग फ्रॉम त्रिवंतपुरम। सो आज मैं केरला की राजधानी में रुका हुआ हूँ। ये केरला की राजधानी है त्रिवंतपुरम, और मेरा ऑफिस का काम ख़त्म हो गया, तो आई थॉट कि मैं अब यहाँ से निकलता हूँ घूमने के लिए। एक बहुत ही सुंदर जगह है, दो जगह वैसे मैंने प्लान किया। एक है शिवाजी का, लॉर्ड शिवाजी का एक ना स्टैचू है जिसके अंदर गंगा माँ को उन्होंने उतारा हुआ अपने जटायु में, तो वो देखने जा रहा हूँ। देन उसके बाद शाम को इवनिंग में एक छोटा सा यहाँ पे यू नो छोटा तो नहीं, बहुत बड़ा, मतलब केरला का सबसे बड़ा बीच है, तो उसको देखने के बाद मैं वापस आऊँगा। तो वहाँ तक जाने के लिए मैंने एक अपना स्कूटी यू नो रेंट किया है, वो बिग ब्रदर से। बिग ब्रदर से एक बहुत बड़ी चेन है जो हमको बेसिकली स्कूटी, बाइक, कार सब रेंट पे देती है, सेल्फ ड्राइव रेंट पे देती है। तो मैंने 280 रुपीज़ का उसको बुक किया हुआ है, पेट्रोल मुझे उसमें डालना है और रात को 10 बजे तक उसको वापस करना है। तो अभी मैं यहाँ होटल से निकल रहा हूँ, ये मेरा होटल कुछ इस तरीके से है। तो यहाँ से निकल रहा हूँ मैं अभी पिकअप के लिए, जो रेलवे स्टेशन के पास है वहाँ से उसको पिकअप करके फिर मैं आगे चलता हूँ, बाकी चीज़ मैं आपको रास्ते में दिखाता हूँ। तो ये वाली मैंने ना वो क्या बोलते हैं स्कूटी वहाँ से लिया है, रॉयल ब्रदर्स, एक ऑनलाइन वेबसाइट है। तो ये उनका लोगो है इस टाइप से, ये होंडा डियो है शायद, हाँ। तो ये लिया है, इसे घूमते हैं। और अभी मैंने यहाँ पेट्रोल पम्प से 250 रुपीज़ का पेट्रोल भराया है, अब देखो कितना बचता है कि नहीं, क्योंकि मुझे 21 किलोमीटर 41 किलोमीटर टोटल चलना है, वापस एक बीच भी जाना है, 60 किलोमीटर ऑलमोस्ट चलना ही पड़ेगा। सो अभी मैं आया हुआ था यहाँ पे ना, ये केरला का एक सबसे बड़ा शिवाजी का स्टैचू है जिसके अंदर ये दिखाया गया है कि पार्वती जी भी हैं, चार हाथ में उसमें हैं। और इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ दिखाया ना वो ये है कि इस पे जो गंगा जी जो है वो अपने जटायु में लेकर पानी में उतार रहे हैं, तो वो स्टैचू दिखाया गया। बट एक्चुअली वहाँ पे ब्लॉगिंग कर नहीं पा रहा, क्योंकि सनलाइट जो है ना बिल्कुल बैक से आ रहा है, दिखाई नहीं दे रहा। तो मैं इधर समुद्र के थोड़ा सा इस साइड आया था कि थोड़ा दिखा दूँ, बट इधर से भी दिखना आसान नहीं, बिकॉज पूरा ये स्टोन और ये पत्थर, ये पूरा सब इस तरीके का समुद्र है। और वहाँ बिल्कुल कॉर्नर पर जाना अलाउड नहीं है, बिकॉज शायद कुछ इंसिडेंट या कुछ हुआ होगा, तो अभी हाई टाइड और वो सब चीज़ें हर जगह पर लिखा हुआ है कि वहाँ जाना अलाउड नहीं है, तो उधर से हुआ नहीं फुटेज। तो ठीक है, जितना मैंने वीडियो कैप्चर किया वहीं से कर लिया, बाकी टेंपल के अंदर तो अलाउड नहीं था फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी, बस जो स्टैचू का जो कंपाउंड है वहीं से बना सकते थे। लेकिन अभी क्या ना शाम हो रही है तो सनसेट हो रहा है, तो पूरा रिफ्लेक्शन पीछे से आ रहा है, तो दिखाई नहीं दिया प्रॉपरली। अभी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ एक बीच जिसका नाम है कोल्लियम बीच कुछ इस तरीके से, तो वहीं निकलते हैं, फिर वहाँ से निकलेंगे वापस सिटी की तरफ। चलो जी, तो यहाँ से थोड़ा सा फुटेज आ रहा है सामने, ब्लॉगिंग में देखेंगे तो सामने देख सकते हैं ना, जो सबसे टॉप में उधर है, तो जो सबसे टॉप में है वो माँ गंगा मैया है, जो ऊपर से नीचे आ रहा है, उनके जटायु से पानी को नीचे आता उतारते हुए सीधा वो गंगा नदी को तो चढ़ाते हैं। तो इस तरीके का है, एक हाथ में पूरा त्रिशूल है, दूसरे में स्नेक, और स्टैचू जो है ना थोड़ा तांडव उसमें, मतलब थोड़ा सा क्या बोलते हैं, जैसे मैंने एक स्टैचू और देखा था कोयम्बतूर में आदि योगी, उसको बिल्कुल शांत योगी के हिसाब से थे, बट यहाँ पे प्रॉपर शिव जैसे तांडव करते उस हिसाब से दिखाया गया है इसमें।
बनाया गया। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये अरब सागर के पीछे एग्जैक्टली एकदम अरब सागर के नीचे, और यहाँ पे सागर का ना उफान बहुत तेज़ है, बहुत ज़्यादा तेज़ है और डेप्थ भी ज़्यादा है, और यहाँ पे किसी को अलाउ नहीं है। मैं एक्चुअली वहाँ तक गया था बट वहाँ पे मना कर दिया कि उधर नहीं जा सकते, क्योंकि स्लिप हुआ तो सीधा पानी के अंदर, तो वहाँ से हुआ नहीं। चलो यहाँ से थोड़ा बहुत हुआ तो यहीं से मैंने कैप्चर कर लिया। चलो चलते हैं। ये पूरा पार्किंग एरिया ना, यहाँ पर मैंने स्कूटी इस तरीके से पार्क किया था, यहाँ पर ऐसे पार्क है। नंबर प्लेट अगेन वही जो येलो नंबर, और उस पर रहेगा और सामने ही है स्टैचू। ये सो फाइनली मैं आ गया दोस्तों ये कोल्लम बीच में, और ये मुझे पता नहीं था कि इतना सुंदर होगा। ये पूरा लग रहा पूरा टूरिस्ट प्लेस है, ये देख सकते हैं ना पूरा, ये पूरा ये है, ये पूरा बीच सामने, और वो सामने है ये लाइट हाउस, शायद वहाँ पे जाने भी देते हैं, मैं जाके चेक करता हूँ, ऊपर चढ़ने देंगे तो वहाँ से पूरा व्यू आएगा। बट ये तो मुझे लगता है अभी थोड़ा टूरिस्ट सीजन नहीं है, बट यहाँ पे अभी पब्लिक कम है, लेकिन ये बहुत ही वो है, मतलब मुझे बहुत सुंदर लग रहा है देखने में। यहाँ सामने रेड फ्लैग है, वहाँ सामने रेड फ्लैग है, रेड फ्लैग का मतलब आगे नहीं जा सकते, उन्होंने सब लोगों ने मना किया हुआ जाने के लिए। तो ये है, टॉप में जाके देखता हूँ अगर वहाँ से सनसेट देख पाते हैं तो। बार बोला बेसिकली ऑलमोस्ट चालू हो गया सनसेट। एक्चुअली मेरे को जाना था यहाँ पे राइट, बट वहाँ जा नहीं पाया क्योंकि ये 5 बजे बंद हो जाता है, तो अगर उससे पहले जाता तो इसमें टिकट मिलता है तो टॉप तक आपको जाना जा सकते हैं, मतलब ऊपर हम जाके देख सकते हैं पूरा। बट अभी 5 बजे मैं पहुँचा, 6 बजे तक बंद हो गया, और अभी सनसेट होने वाला है। पूरा नीचे देखो, और ये पूरी मार्केट है, पूरा होटल्स है घूमने के लिए। अभी मैं ढूंढ रहा हूँ कहीं बैठ जाऊँ तो आराम से बैठ के इसका वीडियो बना पाऊँगा, वैसा कुछ मिल नहीं रहा अभी मेरे को। तो दोस्तों अभी मैं यहाँ से निकल गया हूँ, बहुत देर हो गई और अंधेरा हो गया है, सो अच्छा है कि मैं यहाँ से टाइम से निकल जाता हूँ, मतलब 20 किलोमीटर और भी स्कूटी चला, क्योंकि स्कूटी यहाँ से निकलना है। तो ये था कोल्लम, वो लाइट हाउस पीछे रह गया, अब यहाँ से मैं निकल रहा हूँ। चलो जी, ये वीडियो यहीं तक का था गया। सो गाइस, मैं पहुँच गया अपने रूम पर। एक्चुअली वहाँ से मुझे अंधेरा होने के कारण 1 घंटा लग गया मुझे वो बाइक को, मतलब बेसिकली उस बीच से और सेंट्रल माने के लिए, फिर बाइक जमा किया, प्रॉब उनका दिखाया, एविडेंस की बाइक सब कुछ ओके है, वो सब कुछ दिखाने के बाद वहाँ से 1 किलोमीटर दूर मैं वॉक करके भी जस्ट पहुँचा अपने रूम पे। नाउ फ्रेशन अप होके बस रेडी भी आप फ्रेशन अप होके बैठूंगा, डिनर करके सोते हैं। सो यही था, मज़ा आया घूम के, बट प्रॉपरली घूम नहीं पाया कि प्रॉपर सारी चीज़ मैं देख नहीं पाया वहाँ पे। ठीक है, होता है, बस क्या है ना कि जब पर्पस हम आते हैं अलग चीज़ से सामने घूमने को मिल जाए, बट प्रॉपर वो नहीं हो पाता, बट जितना है वो काफ़ी है। सो इसी के साथ ये व्लॉग मैं ख़त्म करता हूँ। होप आप लोगों को अच्छा लगा, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। Thank you so much, and thank you so much.